नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। वेयरहाउस में जमा हो रही धान की जांच एसडीएम कटनी और उनकी टीम के द्वारा की गई, जिसमें 100 क्विंटल धान को रिजेक्ट किया गया और आगे जांच में लगभग 200 क्विंटल धान अमानक पाई गई है। गोदाम में देवगांव, तिलगवा और मोहाज की धान की तौल हो रही है और मोहाज की धान जमा की जा रही थी। कलेक्टर महोदय का सख्त आदेश जारी किया गया है कि किसी भी गोदाम में अमानक या बाहर से लाई गई धान को जमा न किया जाए और इसी आदेश के तहत सहायता समूह एवं गंगा सहायता समूह पर कार्रवाई की जा चुकी है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। को सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली थी कि पूजा वेयर हाउस और पांडे वेयर हाउस में अमानक धान संग्रहित की गई है, जिसका उपार्जन किया जा रहा है, जिसके तारतम्य में तहसीलदार और मेरे द्वारा यहाँ पे निरीक्षण किया गया। अमानक धान पाई गई है जी, जिसमें कि अनावश्यक डस्ट, मॉइस्चर की कमी और उनका जो वज़न मिनिमम, उनकी जो क्वांटिटी होना चाहिए वो नहीं पाई गई, जिसके साथ में मैं करीब 100 क्विंटल गेहूँ जो है उसे रिजेक्ट कर दिया गया, धान उसे रिजेक्ट कर दिया गया और जो बची हुई धान है उनमें वैधानिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। करीब 200 क्विंटल धान जो है वो अमानक पाया गया है, जिसमें विभागीय कार्यवाही जी। बिचौलियों का कोई इन्वॉल्वमेंट? बिचौलियों का इन्वॉल्वमेंट अभी आगामी जो जांच की जा रही है उसमें पता चल रहा है, यदि ऐसा कुछ पता चलता है तो नियमित रूप से जानकारी। यहाँ पर 3 केंद्र के जो धान है वो पार्जित किए जा रहे हैं, मुहास जी, तिलगवा और मैडम आपका नाम? देवगांव। 3 केंद्र जो है उसके धान उपार्जित की जा रही है जी। मैडम आपका नाम? प्रिया चंद्रावत, एसडीएम। ओके मैडम।